हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ सूखी आलू की भुजिया। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैंने जीरा और लाल मिर्च को डाल दिया है। जीरा और लाल मिर्च हमारे लाल हो गए हैं। अब हम इसमें अपने कटे हुए आलू डाल देंगे। दोस्तों, ये आलू की सूखी भुजिया खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे। दोस्तों, इससे सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आधी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इनको अच्छी तरीके से चला देंगे। दोस्तों, पराठा या पूरी से ये भुजिया खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी कभी बिना मसाला के सब्ज़ी खाने का मन करता है तो ये आप सिंपल भुजिया बना सकते हैं। इनको ढक के कुछ देर के लिए पका लेंगे और इनको अच्छी तरीके से चला देंगे। आलू हमारे जब तक गल नहीं जाते हैं, इनको ढक के कुछ देर के लिए पका लेंगे। दोस्तों, अच्छी तरीके से इनको धीमी आंच पे ही दोस्तों ढक के पकाएंगे ताकि अच्छे से आलू गल जाए हमारे। खोल के चला देंगे अच्छी तरीके से। देखिए, भुजिया हमारी पक रही है। आलू हमारा देखिए गल गया है, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं आलू। अब हम इसमें अपने एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। दोस्तों, आलू की भुजिया में कसूरी मेथी डाल के बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। काफ़ी सौंधी सौंधी खुशबू आती है इसको डालने से। अच्छे से भुजिया को चला देंगे। दोस्तों, भुजिया की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इनको फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। आपको मेरी आलू की भुजिया पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।